नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी आरक्षण अधिकार पदयात्रा पर निकले हुए हैं और इस दरमियान मंगलवार को वो वैशाली के लालपुर पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन सहनी कुछ ऐसा कर गए कि उनका बयान जो है विवादों में आ गया है और बीजेपी ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। मदन सहनी ने यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आज बिहार में शराबबंदी नहीं होती तो जेडीयू के कई कार्यकर्ता पीकर टुल होते। क्या कुछ कहा मदन सहनी ने, जरा सुनिए। जब बिहार शराब मुक्त नशा मुक्त प्रदेश और यहाँ शराब बेचना शराब पीना दोनों जो है कानूनन अपराध है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीते हैं या नशा करते हैं वह तो गैर कानूनी है। देखिए, एक बात जान लीजिए, शराबबंदी का असर ही है इतना लोग अगर आज से 6 साल पहले अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते और इस टाइम शाम के टाइम में तो इसमें कम से कम 10% 20% लोग जरूर नशा के शिकार होते। लेकिन आज आप देख लीजिए मुंह सूख करके यहाँ पर एक भी आदमी अगर शराब नहीं पिया है, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता। तो देखा आपने कि मदन सहनी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं होती तो जेडीयू के कार्यकर्ता पीकर टुल होते, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कच्ची शराब पीकर मरने वाले भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये बयान भी उनका चर्चा में है। मदन सहनी के बयान के बाद बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जो बात कही है अद्भुत है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी नहीं होती तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता टुल्लू होते। इसका मतलब कि अपने पार्टी के पियाकी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए हैं बिहार में, बिहार के जनता के भलाई के लिए नहीं किए हैं, अपने पार्टी को बचाने के लिए किए हैं। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग पियाक हैं। ये अद्भुत बात है मंत्री जी। बता दें कि नीतीश की शराबबंदी लगातार सवालों में रही है। अपनों से लेकर विपक्ष में जो लोग हैं सभी नीतीश की शराबबंदी को निशाना बनाते रहते हैं। कई तरह की बातें शराबबंदी के बारे में कही जाती है। कहा जाता है कि बिहार में कहने को तो शराबबंदी है लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे में नीतीश की शराबबंदी का समर्थन करते करते मदन सहनी के विवादित बोल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जेडीयू की तरफ से सफाई क्या कुछ आती है। हाजीपुर से संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।